क्या दाढ़ी के बगैर पढ़ी गई नमाजें अदा हो गईं, या उन अदा की गई नमाजों को दोहराना वाजिब है जो बगैर दाढ़ी के पढ़ी गई हैं? नमाजें हो गई लेकिन ये नमाजें फिस्क के साथ हुई और करात तहरीम के साथ जो नमाज अदा की जाए उसका ही अदा वाजिब होता है। फायदा यही चाहता है कि इन नमाजों का अदा हो।